अयोध्या में श्रद्धा से सराबोर बोले अनुपम खेर, श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण ना ही मिला तब भी आऊंगा और लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। अयोध्या की हर मिट्टी में हर पत्थर में तीर्थ है और यहाँ के कण कण में भगवान है। जो भी मेरा इंटरव्यू देखते हैं, शो देखते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उनको अयोध्या एक बार जरूर आना चाहिए। अनुपम खेर। अयोध्या पहुंचने और राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन करने के बाद अनुपम खेर श्रद्धा से अभिभूत नजर आए। अयोध्या आने के साथ शुक्रवार को अनुपम खेर ने अपनी मां का सपना पूरा करने और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने पर उनके साथ आने की बात कही थी, लेकिन रामलला का दर्शन करने के बाद वह कहते हैं मैं आऊंगा जरूर, निमंत्रण नहीं मिला तब भी दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। अयोध्या की मिट्टी के हर कण में तीर्थ है, हर कण में भगवान है। यही नहीं, अनुपम खेर लोगों से अपील करते नजर आए कि जो भी उनकी बात सुन रहे हैं वह एक बार अयोध्या जरूर आए और अयोध्या की महिमा और श्रद्धा में सराबोर हो जाएं। अपने दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की रात्रि मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर अयोध्या पहुंचे थे। आने के साथ ही उन्होंने कहा था कि उनकी मां अयोध्या आते समय कह रही थी मुझे भी ले चल, मैं अपनी मां का सपना पूरा और आमंत्रण मिला तो उनके साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आऊंगा। मगर शनिवार की प्रातः रामलला का दर्शन करने के बाद अनुपम खेर श्रद्धा से ओतप्रोत दिखे। राम जन्मभूमि मंदिर के साथ कनक भवन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे अनुपम खेर ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां को दर्शन कराए। यही नहीं, उन्होंने कहा वह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आएंगे जरूर, निमंत्रण नहीं मिला तब भी वह लाइन में खड़े होकर दर्शन करेंगे लेकिन आएंगे जरूर। अनुपम खेर जी मैं जरूर आऊंगा, निमंत्रण नहीं मिला तब भी लाइन में खड़ा हो जाऊंगा, जय श्री राम। यही नहीं, अनुपम खेर श्रद्धा के मार्ग पर पग पग चलते और प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए और कहा अयोध्या की हर मिट्टी में हर पत्थर में तीर्थ है और यहाँ के कण कण में भगवान है। अनुपम खेर यहाँ की हर मिट्टी में हर पत्थर में तीर्थ है, यहाँ पर रामलला ये सब चले होंगे, भगवान हर कण कण में है। यहाँ हनुमानगढ़ी के बाद राम जन्मभूमि और कनक भवन का दर्शन पूजन करने के बाद अनुपम खेर कहते हैं जो भी सनातनी हैं या सनातनी ना भी हैं, अयोध्या आने पर सबको आशीर्वाद मिलता है। आज यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी लोग मेरा इंटरव्यू देखते हैं, मेरे शो को देखते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, सबको अयोध्या आना चाहिए और यहाँ की श्रद्धा में रच बस जाना चाहिए। अनुपम खेर आज सुबह स्थान पर गए जहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब राम सिया राम इस कनक भवन में आया हूँ प्रार्थना करने, अपनों के लिए, देश के लिए, सभी सनातनियों के लिए, सभी नॉन सनातनियों के लिए भी यहाँ पर सबको आशीर्वाद मिलता है। और मैं अयोध्या में जितने भी लोग आपके जरिए ये शो देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं, मैं प्रत्येक भारतीय को दुनिया के किसी भी इलाके में रहता हो आप ये कर्तव्य बना लीजिए, आप अयोध्या में आए, यहाँ पर यहाँ की देवभूमि, यहाँ पर सुंदर अति सुंदर देवभूमि जो सीता राम हनुमानगढ़ी के मंदिरों में आएं और आशीर्वाद संलिप्त पाएं और मुझे बहुत अच्छा लगा है। हर स्थान जहाँ की मिट्टी में हर यहाँ के हर पत्थर में तीर्थ है, जहाँ पर रामलला ये सब चले होंगे तो वहाँ के हर के कण कण में प्रभु हैं। यहाँ गए और आज सुबह स्थान पर गए जहाँ राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और अब राम सिया राम के इस कनक भवन में आया हूँ प्रार्थना करने, अपनों के लिए, देश के लिए, सभी सनातनियों के लिए, सभी नॉन सनातनियों के लिए भी यहाँ पर सबको आशीर्वाद मिलता है। और मैं अयोध्या में और जितने भी लोग ये लोग आपके जरिए ये शो देख रहे हैं या ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं प्रत्येक भारतीय से जो दुनिया के किसी भी इलाके में रहता हूँ अपना ये कर्तव्य बना लीजिए कि आप अयोध्या में आए और यहाँ पर यहाँ की देवभूमि, यहाँ की जो खूबसूरत सुंदर अति सुंदर भूमि और यहाँ के जो सीताराम हनुमानगढ़ी जी के मंदिरों में आए और अपने आप को आशीर्वाद से संलिप्त पाए और मुझे बहुत अच्छा लगा है। जी मैं जरूर आऊंगा, निमंत्रण नहीं मिला तब भी लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। जय श्री राम।